अवैध खनन के आगे अलवर जिले का प्रशासन पूर्णतः नतमस्तक नजर आ रहा है। जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। यदि कोई छोटी मोटी कार्रवाई होती है तो केवल खाना पूर्ति तक ही सिमट जाती है। अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायत जिले के विधायक भी कर चुके हैं, पर विधायक भी इस मामले में गौंद साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ा खेल यहाँ पैसों से खेला जाता है, जो किसी से छिपा भी नहीं। अलवर जिले के अरावली खनन का मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है, जिसमें कई बार पूर्ववर्ती कलेक्टर व एसपी को भी फटकार लग चुकी है, परंतु प्रशासन को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा ही मामला तिजारा की ग्राम पंचायत जोड़िया मेल से है, जो पुलिस जिला भिवाड़ी के चौपानकी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर खनन लीज की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन की लीज खसरा संख्या 4 में है, जबकि अवैध खनन खसरा संख्या 5 में चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन के नजदीक सरकारी स्कूल कब्रिस्तान शमशान घाट है, तथा यहाँ सुबह शाम ब्लास्टिंग की जाती है। ब्लास्टिंग का खतरा इतना ज्यादा है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। धमाके का प्रभाव इतना है कि आसपास के मकान दरारों से भरे हुए हैं। ब्लास्टिंग के नजदीक ही आबादी निवास करती है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ सरेआम पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खनन के क्षेत्र पर कोई चार दीवारी नहीं की गई है, न ही यहाँ पर कोई पेड़ पौधे लगाए गए हैं। खनन के क्षेत्र में 200-250 फीट के आसपास गहरी खाई बन चुकी है, जिसमें कुछ समय पहले एक लड़के की गिरने से मौत भी हो चुकी है। यह खाई कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। ब्लास्टिंग के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे व ग्रामीण निरंतर परेशान है। यहाँ लीज की आड़ में सरकारी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, पर सब कुछ देखते हुए भी प्रशासन मौन है।